पंजाब का सीएम बनने की दौड़ में लगे कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू पारिवारिक विवाद में घिर गए हैं। सिद्धू की एनआरआई बहन सुमन तूर ने आरोप लगाया है कि सिद्धू ने पिता भगवंत सिद्धू की मौत के बाद मां निर्मल भगवंत और बड़ी बहन को घर से निकाल दिया। इसके बाद मीडिया में बयान देकर झूठ बोला कि मेरे माता पिता न्यायिक तौर पर अलग हुए। सिद्धू उस वक्त अपनी उम्र 2 साल बता रहे हैं, लेकिन वो सब भी झूठ है। अस से चंडीगढ़ पहुंची सिद्धू की बहन सुमन तूर ने कहा कि वो इस मुद्दे पर नवजोत सिद्धू से मिलने के लिए उनके अमृतसर स्थित घर पर गई थी, लेकिन उन्होंने गेट नहीं खोला। यहां तक कि उन्हें व्हाट्सएप पर भी ब्लॉक कर रखा है। हालांकि इस मामले में अभी तक सिद्धू या उनके पक्ष से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बड़ी बहन का आरोप, पिता की मौत के बाद सिद्धू ने मां को घर से निकाला। सिद्धू की बड़ी बहन सुमन तूर ने कहा कि शैरी, नवजोत सिद्धू का निकनेम, बहुत क्रूअल है। उन्होंने कहा कि 1986 में जब पिता भगवंत सिद्धू की भोग सेरेमनी हुई तो उसके तुरंत बाद सिद्धू ने मां के साथ उन्हें घर से निकाल दिया। सुमन ने कहा कि उनकी मां ने अपनी छवि बचाने के लिए दिल्ली के चक्कर काटे और अंत में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उनकी लावारिस की तरह मौत हो गई। सुमन तूर ने कहा कि सिद्धू ने यह सब प्रॉपर्टी के लिए किया, हमें सिद्धू के घर में घुसने की इजाज़त नहीं। प्रूफ मिलने के बाद सामने आए सुमन तूर ने कहा कि वो 1990 में अमेरिका चले गए थे। सिद्धू ने मां निर्मल महाजन उर्फ निर्मल भगवंत के साथ नाइंसाफी की। उन्होंने कहा कि सिद्धू ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में यह बात कही थी, वो उसे ढूंढ रही थी। अब उन्हें वो आर्टिकल मिला तो उन्होंने पहले सिद्धू से मिलने की बात कही। वह सिद्धू को कहना चाहती थी कि सार्वजनिक तौर पर मां के बारे में कही बातों की माफी मांगे, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। नवजोत कौर सिद्धू बोली, मैं सुमन तूर को नहीं जानती। इस बारे में नवजोत सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि वो सुमन तूर को नहीं जानती। नवजोत सिद्धू के पिता के 2 विवाह हुए थे, पहले विवाह से उनकी 2 बेटियां थीं, लेकिन मैं उन्हें नहीं जानती।